क्या हाल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक 13 में आपका स्वागत है। ये हमारे पास ओप्पो F5 यूथ है, जिसका कि रिंगर ख़राब है। इसका रिंगर ये ख़राब हो चुका है, आवाज़ फटी फटी आ रही है। ये हमारे पास एक रियलमी के फ़ोन की डब्बी है ओरिजिनल, उसके अंदर से निकाली है, फ़ोन डेड था। इसका रिंगर बिल्कुल ओके है। इसके अंदर एक दिक्कत होती है, जैसे ये रिंगर है, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगी होती है, ताकि रिंगर के अंदर कचरा वगैरह ना फंस जाए और आवाज़ फटी फटी की दिक्कत ना आए। तो इसको अपने जब भी उतारना है, SMD को हीट है जो, उसे अपने एयर को तो रखना है -1 पे, और हीट को रखना है 250 के आसपास, थोड़ा बहुत कम, ताकि ये डब्बी जले ना और रिंगर ख़राब ना हो। बिल्कुल आसान तरीके से ये बाहर निकल जाए। अब आपको निकाल के दिखाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि रिंगर हमारा ख़राब भी नहीं होगा। देखो हीट, यहाँ हीट मार देनी है राम राम से। हमारा रिंगर ख़राब नहीं होएगा ऐसे, अगर हम हीट ज़्यादा मारेंगे तो रिंगर ख़राब हो जाएगा, जो गूंद है वो पिघल जाएगी। बिल्कुल ऐसे आराम से उतार दें, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से रह गया। थोड़ी सी और हीट मारनी पड़ेगी, ताकि हमारा रिंगर बिल्कुल आसान तरीके से उतर जाए। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये उतर चुका है हमारा रिंगर। अब हम इसका भी रिंगर निकाल देंगे, इसके ऊपर भी हीट मारनी पड़ेगी। अब उतार देंगे, ये देखें बिल्कुल आसान तरीके से रिंगर उतर जाएगा। ये देखें ये निकल चुका है। इसका यहाँ से निशान चेक कर लें, किस साइड है इसकी पिन, जैसे इसकी पिन ऐसे है, ऐसे लगा देंगे हम। ये देख सकते हैं ये प्रॉपर लग चुका है इसके अंदर। बाकी अगर आपने इसके अंदर ग्लू लगानी है, तो थोड़ी बहुत आप ग्लू भी लगा सकते हैं, जो पेस्ट फोल्डर वगैरह लगाने के लिए होती है, वो तार लगानी है। अगर आवाज़ फटी फटी आएगी तो आप लगा सकते हो ग्लू भी, अगर सही चल रहा है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई। अब हम इसे चेक कर लेंगे, अब इसे हम चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर स्पीकर हमारा काम कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से चल रहा है स्पीकर। अब हम इसमें नेट लगा देंगे, फिर बिल्कुल आवाज ओके हो जाएगी। ये हमने रिंगर चेंज करके दिखा दिया आपको। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। धन्यवाद सर।